नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ आज के आईपीएल के मैच के बारे में, जो कि 2024 जो कि आईपीएल के 17वें सीजन का ये आज का 10वां मैच था आरसीबी और कोलकाता के बीच में, जिसमें आरसीबी ने टोटल 182 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, और वहीं पर कोलकाता ने 186 रन बना के 16 ओवर और 5 गेंदों में ही ये मैच जीत लिया, 3 विकेट उनका गिरा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यार क्या चल रहा है आरसीबी का। आरसीबी, मैं अपने हर एक वीडियो में जब भी आरसीबी का वीडियो बनाता हूँ तो ज़रूर एक बार बोलता हूँ कि डब्ल्यूपीएल के सेकेंड सीजन में आरसीबी ने ट्रॉफी दिलाई, लेकिन जो ये मेंस लोग हैं ये आरसीबी को कब ट्रॉफी दिलाएंगे? ये आरसीबी को ट्रॉफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा सबसे बड़ा यही सवाल है अभी। और ये जो मैच था वो भी आरसीबी के होम ग्राउंड पे हो रहा था, और कोलकाता ने पूरा 20 ओवर भी नहीं खोला। इसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर 30-40 रन या 50 रन और भी अगर बने हुए होते आरसीबी के, तो भी ये मैच कोलकाता बहुत ही आसानी से जीत गई होती। और आरसीबी टोटल अपना 3 मैच खेल चुकी है अभी तक, जिसमें केवल एक मैच में उसको जीत मिली है और 2 मैच हार गई है। और कोलकाता ने 2 मैच खेला है, दोनों में जीत की है। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि चेन्नई पॉइंट टेबल के सबसे टॉप पे अपना अभी बैठी हुई है, और अच्छा क्रिकेट चल रहा है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है चेन्नई, नो डाउट इसमें। लेकिन आरसीबी के भी जितने भी फैंस लोग हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इस बार आरसीबी कुछ अच्छा करे, आरसीबी को ट्रॉफी मिले। अभी ये आईपीएल का ये जो सीज़न है ये 17वां सीज़न है, ऐसा कैसे हो सकता है एक सीज़न में नहीं, 2 सीज़न में नहीं, 3 सीज़न में नहीं, 15 सीज़न में नहीं, 16 सीज़न में नहीं, कम से कम 17वें सीज़न में तो उसको ट्रॉफी मिल जाए? या जो आरसीबी के सपोर्टर हैं, जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं कंटिन्यू, छोटे से होके बड़े हो गए, उनके भी बच्चे शायद हो गए होंगे, लेकिन अभी भी आरसीबी को एक भी ट्रॉफी नहीं मिली है। हालांकि विराट कोहली ने आज अच्छा खेला, 82 रन बनाए वो 59 बॉल पे, लेकिन एक प्लेयर से। और ऐसा भी नहीं है कि आरसीबी में बहुत, मतलब कि आरसीबी कुछ कोई अच्छी टीम नहीं है या उसमें कोई अच्छे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर नहीं है। आरसीबी बहुत ही अच्छी टीम है, उसमें बहुत से अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किसकी पनौती लगी है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी उनका प्लेयर लोगों का लिस्ट देखा जाए तो एक से बहुत अच्छे अच्छे नाम उसमें आते हैं, विराट कोहली, डू प्लेसिस, मैक्सवेल, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं। बोलते हैं उनके पास केजीएफ है, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसी, लेकिन ये केजीएफ तुम्हारा मतलब कि अपना जो रूप है, रंग है, वो कब दिखाएगा? उनको कब ट्रॉफी मिलेगी? जो आरसीबी के फैन हैं, जो आरसीबी के सपोर्टर हैं, वो कितने बेसब्री से, मैं खुद, हम लोग सब लोग आरसीबी, ये अपना आईपीएल का जब डेट अनाउंस होता है या जब फरवरी मार्च का समय आता है तो हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि अब आईपीएल आने वाला है, आईपीएल का नेक्स्ट सीजन आएगा, आने वाला है, उसका डेट आएगा, कौन से डेट को स्टार्ट होगा। हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे इंडिया में आईपीएल को बिगेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यार ये जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी नहीं तो आरसीबी के लिए तो बहुत सी बड़ी चीज़ें हैं। हालांकि मुंबई ने 5 ट्रॉफी ले लिया है, चेन्नई को 5 ट्रॉफी मिल चुकी है, और भी टीमें हैं जिनको एक दो दो ट्रॉफियाँ मिल चुकी हैं, आईपीएल फाइनल में वो जीत चुकी हैं, उनका खाता खुल गया है। अभी ये नई नवेली दुल्हन आई थी, नई नवेली गुजरात, उसने पहले ही सीजन में ट्रॉफी उठा लिया हार्दिक पांड्या के कैप्टेंसी में, और
दूसरे सीजन के फाइनल में सेकेंड आई वो चेन्नई, हालांकि चेन्नई ने उसको हरा दिया था फाइनल में, वो भी दो दिन का फाइनल खेला गया, दो दिन का मतलब कि पहले दिन जो जो डेट पे फाइनल फिक्स था होने के लिए वो दिन कुछ गेम चला, बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ, उसके अगले दिन जो उसके फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा हुआ था वो दिन पे हम लोग मैच खेले और कैसे भी करके वो मैच को मुंबई ने चेन्नई ने जीत लिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने क्या किया क्या नहीं, आप लोगों को सब कुछ मालूम है, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाने वाला हूं, हार्दिक पांड्या के ऊपर फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूं और जो उनके सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं मैं उनके बारे में भी बात करूंगा कि क्योंकि जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं या किसी को मतलब मैं पर्सनली कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत काम किया है और जो उसके बचाव में आ रहे हैं वो उससे भी बड़े गलत काम करने वाले हैं और आप जाके किसी का सपोर्ट करोगे, कैसे करोगे भाई, क्यों करोगे और कैसे करोगे, ऑलरेडी तुम खुद कितना बहुत बड़ा गलत काम कर चुके हो और कर रहे हो, अभी भी कंटिन्यू टीवी पे दिखाया जा रहा है। मैं उसके बारे में भी बात नहीं करने वाला हूँ, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में, पूरा उसके डिटेल में बारे उसके बारे में बात करूँगा। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि विराट कोहली आरसीबी को आखिरकार कब फाइनल की ट्रॉफी मिलेगी उनको, या जो आरसीबी के जो ओनर हैं वो भी कभी तो वो भी सोचते होंगे कि हाँ चलो ठीक है इस बार नहीं तो अगली बार हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी, हमको फाइनल में हम लोग फाइनल में जाएंगे, शायद फाइनल की ट्रॉफी भी हमें मिल जाएगी, लेकिन 16 सीजन में नहीं हुआ अभी तक। और मैं जब WPL के लिए अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही प्रिडिक्शन किया था कि RCB जो WPL की वुमेंस टीम है वो कुछ अच्छा करेगी, शायद से ट्रॉफी जीतेगी और वो ट्रॉफी उनको मिली। और मैं वही टाइम पे ये भी बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो IPL होने वाला है उसमें RCB अच्छा करेगी, अच्छा करने का मतलब कि शायद से फाइनल में जाए, फाइनल जीत भी जाए, लेकिन जो हिसाब से अभी उनका क्रिकेट मैच चल रहा है, जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि वो दूसरे या तीसरे नंबर पे फिनिश करेंगे। और वो दूसरे तीसरे नंबर का फिनिश करने का मतलब मेरा ये है कि वो नीचे से दूसरा तीसरा नंबर, ऊपर से दूसरा तीसरा नंबर नहीं। मैं भी यही सोच रहा था कि चलो इस बार कुछ तो अच्छा होगा RCB के लिए, WPL में तो अच्छा हो गया, WPL जो लड़कियों का गेम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहले सीजन में जो WPL हुआ उसमें ज़्यादा लोग किसको कुछ मालूम ज़्यादा भी नहीं चला, हालांकि फर्स्ट सीजन का मुंबई इंडियंस जो WPL है वो विजेता हुई थी और वो उसमें भी दिल्ली फाइनल में गई थी, तो मुंबई ने दिल्ली को हरा के फाइनल जीत लिया। इस बार का जो सेकेंड सीजन का मैच था इसमें काफ़ी लोगों ने देखा भी, ऑनलाइन जियो सिनेमा ऐप पे भी देखा और ग्राउंड में भी लोग जाके देखे, और इसमें भी दिल्ली सेकेंड सीजन में भी WPL के सेकेंड सीजन में दिल्ली फाइनल में गई, जो कि बेंगलोर के हाथों उनको हार मिली, लेकिन दो दो सीजन लगातार वो फाइनल में चली गई। और इस बार चलो ठीक है WPL में फाइनल बेंगलोर को मिल गया, लेकिन IPL में बेंगलोर कब जीतेगी, हम तो यही सोच रहे हैं कि IPL में भी कम से कम एक बार तो अभी एक बार तो IPL में जीत मिल जाए RCB को, या विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास हो जाएगा और IPL से भी संन्यास हो जाएगा और उनको उनके हाथ में ट्रॉफी भी नहीं आएगी। देखो यार थोड़ा अच्छा करो, सब लोग सपोर्ट करते हैं, हालांकि जिस दिन आपका भी मैच रहता है RCB का, मैं RCB का फैन नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि RCB के मैच के दिन RCB जीते। और मैं ये इस सीजन में तो मैं यही उम्मीद लगा के बैठा था और अभी भी बैठा हूं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी मैं यही सोच रहा हूं कि RCB शायद से इस बार के फाइनल में जाए और फाइनल मैच जीते, लेकिन जो हिसाब से इनका गेम चल रहा है उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है इनका आगे जाना। राम राम दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।